जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनको मेरा सलाम है, अपने खून से जिसने जमीन को सींचा है उन बहादुरों को सलाम है। नमस्कार, न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना के लिए आज 16 दिसंबर का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, जबकि पाकिस्तान फौज इस दिन आपको बता दें कि शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाता है। दरअसल साल 1971 में 16 दिसंबर को ही भारतीय जवानों के आगे दुश्मन देश के 93,000 फौजियों को घुटने टेकने पड़े थे। वही आपको बता दें कि 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारतीय सेना हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाती है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ दिल्ली में स्थित वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। विजय दिवस की पूर्व संध्या में आर्मी हाउस में एंड होम रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है, साथ ही जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों का स्वागत किया था। एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम में 1971 के युद्ध से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी को भी देखा। प्रदर्शन देखने समय प्रधानमंत्री ने साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आर्मी के तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री वहां मौजूद लोगों से काफी देर तक बातचीत करते हुए नजर आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को शुक्रवार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं शुक्रवार को सुबह 6 बजे यात्रा दौसा के नांगल राजवतान में मीना हाईकोर्ट से शुरू हुई। आज यात्रा एक ही चरण में 22 किमी तक सफर तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा सुबह 11 बजे दौसा के गिरिराज धरण मंदिर पहुंचेगी। यही यात्रा का आखिरी पड़ाव होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दौसा में भांडे रेंज के पास यात्रा का शुक्रवार और शनिवार को रात्रि विश्राम होगा। अब तक राहुल गांधी राजस्थान के 70% यात्रा कर चुके हैं। अलवर से यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर आज जयपुर में नए PCC ऑफिस में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। राजस्थान में राहुल गांधी की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीनवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। अपने पत्र में मालीनवाल ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म की 10वीं बरसी पर महिला सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज से संसदीय कार्य को स्थगित करने का आग्रह किया है। वहीं स्वाति मालीनवाल ने अपने पत्र में कहा है कि आज निर्भया गैंग रेप केस को 10 साल पूरे हो गए हैं। दुख की बात है कि आज तक कुछ नहीं बदला। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर आज की सदन की कार्यवाही स्थगित कर संसद में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस दौरान उस पर जानलेवा हमला भी किया गया था। निर्भया के साथ मौजूद उनके दोस्त पर भी हमला किया गया था। इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे। इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सैयद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से निर्भया कांड की 10वीं बरसी है और इसको लेकर राज्यसभा के सभापति को पत्र भी लिखा गया और साथ ही ये बात कहा गया है कि अब तक
कुछ भी नहीं बदला है। जिस तरीके से देश में ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, देश में ये घटनाएं होती रही है, और निर्भया केस जब हुआ था तब आपको याद होगा किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन हुए थे, तमाम लोग सड़कों पर आ चुके थे, लेकिन आज भी देश की स्थिति जस तस बनी हुई है, ज्यादा बदलाव देश में देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सुनाली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात आज भी देश में बने हुए हैं, खासकर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े गए। जब निर्भया का पूरा मामला प्रकरण सामने आया तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में हाहाकार एक तरीके से मचा था, और देश में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे, यहां तक कि जो प्रदर्शनकारी थे वो राष्ट्रपति भवन में, ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर तक चले गए हों, पार्लियामेंट के अंदर तक चले गए हों, और तकरीबन 3 दिन तक पूरे दिल्ली को पूरा बंधक बना के एक तरीके से रखा गया था, और पूरे देश भर में इस चीज को लेकर गुस्सा था कि आखिरकार लगातार बढ़ रहे महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने में सरकारें एकदम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नाकाम क्यों है। जिसको लेकर जब निर्भया कांड हुआ, उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, उसके बाद भी पार्लियामेंट में कई सारी चीजें, कई आवाजें उठी, लेकिन स्थिति की अगर बात करें तो आज भी जस की तस ही है। कानून जरूर बन गया, निर्भया फंड जरूर इकट्ठा हो गया। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी निर्भया फंड जो इकट्ठा हुआ है उससे महाराष्ट्र में मंत्रियों के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं, सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं, तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध के पीछे सरकार की जो मंशा है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रही है, ना ही इतनी सीरियसनेस उसमें दिखाई दी जा रही है। दूसरी बात, सबसे अहम, 10 साल आज पूरे हुए हैं, एक बार फिर याद करने की कोशिश की गई है जंतर मंतर पर, इसको लेके कई लोग एक कैंडल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट इन द सेंस कि आप उनकी याद में चीजें हो रही है कि निर्भया कांड हुआ है। आपको पता होगा पिछले कई दिनों से महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली हो, इन जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन निर्भया के बाद जो कानून में बदलाव किया गया जिस तरीके से उसको सही अमली जामा पहनाना जो सरकार की जिम्मेदारी थी, शायद वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज एक बार फिर राज्यसभा के सभापति को एक पत्र लिखा है महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग ने, और कहा है साफ तौर पर कि जो निर्भया से सीखना चाहिए था, निर्भया कांड के बाद से सरकार को सीखना चाहिए था, शायद वो नहीं सीख पाई, जिसको लेकर और सख्त कानून बनाने की और उस पर अमल करने की जरूरत है। सुनाली, बिल्कुल सैयद सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से सैयद, मैं यूपी का दिल्ली का मुद्दा उठाना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की पर तेजाब फेंका गया, इस तरीके से सामूहिक दुष्कर्म के भी काफी मामले आ चुके हैं, चाहे वो यूपी हो या दिल्ली हो या देश के तमाम राज्य हो, लेकिन अब जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है, क्या लगता है इस पत्र लिखने के बाद कुछ कार्रवाई होगी, कुछ इस मामले को और संगीनता से लिया जाएगा? देखिए सुनाली, ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस तरीके का पत्र लिखा हो, चाहे वो सरकार को लिखा हो, चाहे वो एलजी को लिखने की बात हो, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी इससे पहले भी कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस है। कुछ दिन पहले ही जैसे दिल्ली के द्वारका में एक जो है लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया और उसके बाद उसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि जब वो मौत के मुहाने पे खड़ी है, तो ये सब चीजें दर्शाता है कि सरकारों का जो रवैया रहा है वो ढुलमुल रहा है, और उसको सख्ती बरतने के बजाय कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा ढुलमुल रवैये की वजह से उसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है, जो कामकाजी महिलाएं सबसे ज्यादा उनको भुगतना पड़ता है, जो लेट नाइट काम करके अपने घर को वापस आती है उनको सुरक्षा का मुद्दा है, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो लगातार जनता के सामने भी आ रही है, सरकार के सामने भी है, लेकिन सही कदम और सटीक कदम उठाने की जो जरूरत थी वो अभी तक फिलहाल पूरी नहीं हो पाई है। सैयद, एक और सवाल लेना चाहूंगी आपसे मैं, जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था और आज 10वीं बरसी है निर्भया कांड को लेकर, क्या लगता है आपको कहां बदलाव की जरूरत है जिसके वजह से आज भी एक लड़की शिकार बन रही है? देखिए सुनाली, आप भी एक महिला हैं और आप जानती हैं कि जब लेट नाइट आप जाती हैं घर अपने, तो एक असुरक्षा का जो भाव आपके अंदर होता है, या आप जैसी और जो महिलाएं जो बाहर काम करती हैं उनके अंदर होता है, वो भाव निकलने की जरूरत है। वो निकलेगा तब जब सरकार इस पर ठोस कदम उठाएंगी, जब एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ठोस कदम उठाएगा और ये फील कराएगा हर उस महिला को, हर उस लड़की को जो काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है कि वो सुरक्षित है, तब जाके शायद थोड़ा सा बदलाव हो सके, या फिर जो मानसिकता है
आम जनों में, उसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, जिसपे ठोस कदम उठाने की जरूरत है। काउंसलिंग की बात अगर हम करें तो महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर जिस तरीके से पुरुषों में कई सारी चीजें निकलकर विधियां निकलकर सामने आ रही है, उस पर काउंसलिंग की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे कदम है जिसको उठाने की जरूरत सरकार की तरफ से है, और सरकार को एक ठोस कदम अगर नहीं उठा तो आने वाले दिन और भी भयानक हो सकते हैं, क्योंकि जो मानसिक स्थिति है महिलाओं के प्रति पुरुषों की, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकराल रूप लेती जा रही है। सोनाली, आपने खुद महसूस किया होगा, आप ट्रैवल करती हैं, आप बसों में जाती हैं या आप ऑटो में जा रही हैं, तो आप अपने आप को उतना सेफ फील नहीं कर पाती होंगी जैसा आपको करना चाहिए, जैसा सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की तरफ से आपको लगना चाहिए कि अगर मेरे साथ कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उस तरीके की चीजें आज भी देश के कई राज्यों में नहीं है, तो इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने और उस पर कह सकते हैं कि उस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सोनाली, बिल्कुल सैयद, सही कहा आपने, मानसिकता बदलने की बहुत ज़रूरत है, तभी जाकर हमारा देश और साथ ही हमारे देश में जो हमारे बहन बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो सुरक्षित हो पाएंगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए सैयद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा में समय से आवासीय प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने पर पूर्व कर, आपको बता दें क्रिकेटर मुनाफ पटेल एवं उनकी कंपनी निवास, आपको बता दें कि प्रोमर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यूपी रेरा में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने मुनाफ पटेल के दोनों बैंक खाते सीज कर दिए हैं, साथ ही 52 लाख रुपये जब्त कर दिए गए हैं। वहीं उनकी कंपनी निवास प्रोमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बाकी निर्देशकों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई जारी है। यूपी के रेरा में मुनाफ पटेल की कंपनी द्वारा निवेशकों को रकम नहीं लौटाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक मुनाफ पटेल निवास प्रोमोट्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक हैं। इनकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 से वर्लीफ ट्रायल के नाम से लॉन्च किया गया था, लेकिन निर्धारित समय पूरा नहीं होने पर पूरा होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता है, और साथ ही ऐसे में खरीदारों ने यूपी रेरा की शिकायत की थी। मामले में सुनवाई करते हुए यूपी रेरा ने बिल्डर्स कंपनी के खिलाफ आदेश पारित कर दिया, लेकिन कंपनी ने आदेशों का पालन नहीं किया। ऐसे में यूपी रेरा ने अब RC की कार्रवाई शुरू की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद एक बार फिर जुड़ गए हैं। सैयद, ये जो मामला सामने आया है, इसका क्या कुछ अपडेट है, पहले विस्तार से बताएं। देखिए सोनाली, ये जिस तरीके से मामला सामने आया है, कहीं कहीं एक बड़ा मामला जरूर कह सकते हैं, क्योंकि लगातार सरकार, यूपी सरकार की अगर हम बात करें खासकर, तो यूपी सरकार लगातार सख्ती बरतती आ रही है उन बिल्डरों पर जिन्होंने जो वादा किया था, जो अपने कस्टमर्स को वो पूरा नहीं किया। यूपी रेरा के नाम पर जिस तरीके से लगातार धोखाधड़ी हुई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मुनाफ पटेल इसमें मेन जो प्रमोटर है वो मुनाफ पटेल है, उनकी कंपनी है ये निवास प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके वो डायरेक्टर है, तो उसके ऊपर सीधे तौर पर एक तरीके से ये कार्रवाई की गई है। उनके बैंक अकाउंट को सील किया गया, जिसमें 52 लाख रुपए उनके अकाउंट में जब्त भी किए गए हैं। तो इस तरीके की शिकायतें कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बिल्डरों पर यूपी रेरा के तहत कार्रवाई हुई है, और दूसरी तरफ सरकार ने कई सख्त कदम इस चीज को लेकर उठाए हैं कि आखिरकार जो कंपनियां कह सकते हैं कि जो वादे करती है उसको समय पर पूरा क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर आप कोई बिल्डर से कोई फ्लैट खरीदता है तो उसको करीब 1 से 1.5 साल तक का समय दिया जाता है, लेकिन आज के टाइम में नोएडा में खासकर जितने भी बिल्डर्स हैं वो समय पर काम न पूरा होने के कारण जो प्रोजेक्ट है वो लटकाते हैं, और जो प्रोजेक्ट का पैसा होता है फाइनेंस वो दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पिछला प्रोजेक्ट लटकता है और उसका खामियाजा जो बायर्स हैं, जो खरीदार है, उनको भुगतना पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कई बार शिकायत जरूर की थी, कंपनी ने उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है यूपी रेरा की तरफ से। जी सैयद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है क्रिकेटर मुनाफ पटेल पर, उनके दो बैंक खाते सीज किए गए हैं, और क्या कुछ कार्रवाई की गई है, जहां तक बैंक खातों की सीज की बात है, 52 लाख रुपए आप बता रहे हैं जहां तक बरामद हुई है, और कहां उनके कौन से ठिकाने पर कार्रवाई की गई है, और इसको लेकर पुलिस और इस मामले को लेकर और क्या कुछ कार्रवाई करेगी?
देखिए यूपी रेडर में जिस तरीके से शिकायत की गई थी उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो उनका प्राइवेट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उस पर कार्रवाई की गई है। जो कंपनी का अकाउंट है उस पर कार्रवाई की गई है। और दूसरी तरफ अब कह सकते हैं ऐसे में यूपी रेडर ने अब आरसी की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, यानी रिकवरी की जो कार्रवाई भी शुरू कर दी है अगर समय पर वो चीजें नहीं होती हैं। क्योंकि कंपनी की तरफ से खबर ये आ रही थी वो कोर्ट जाने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी रेडर की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका मुनाफ पटेल को जरूर लगा है। क्योंकि मुनाफ पटेल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, जाना माना नाम है, लोगों का एक भरोसा था, विश्वास था, जिसको लेकर भी कोर्ट ने भी और रोहित ने कहा कि आपके ऊपर जनता का विश्वास था, लेकिन आप उस विश्वास को पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप पे इस तरीके की चीजें, ये मामला बनता है। उसके बाद ही यूपी ने इस पर कार्रवाई की है। चलिए सैयद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कि सना हेल्थ केयर हॉस्पिटल में, इस अस्पताल में डॉक्टर मजीद और डॉक्टर रश्मि चलाते हैं, और यहां एक महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया था, जिसके बाद से महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बिल्कुल ठीक था। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद घर आते ही बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद से अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाते ही बच्चे की मौत हो गई। साथ ही परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत होते ही डॉक्टर ने कहीं और दिखाने की बात करने के रफू चक्कर कर दिया। वहीं परिजन काफी देर तक डॉक्टर माजिद का इंतजार करते रहे। डॉक्टर माजिद के जाने के बाद ही अस्पताल का सारा स्टाफ भी अस्पताल छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। बताइए क्या मामला था आपका? कल जब यहाँ पे अपनी हम भाभी को लेकर आए तो यहाँ पे एडमिट किया, वो डॉक्टर साहब बोले ठीक है बच्चा। नाम बताओ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब का नाम, तो क्या नाम? माजिद। माजिद नाम है डॉक्टर साहब का। रश्मि। क्या नाम? रश्मि है। क्या मामला था? अपने बच्चे को लेकर आए, किस लिए लेकर आए? क्या तबीयत खराब थी बच्चे की? बच्चा तो नॉर्मल हो गया था, बच्चा तो यहीं पर ही हुआ था, बच्चा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद ना सांस रो नहीं रहा था वो, तो ये भैया अंदर को ले गए। कौन ले गए अंदर को? डॉक्टर साहब। नाम बताओ डॉक्टर साहब। माजिद डॉक्टर। माजिद डॉक्टर जो है दिखाने के लिए आए सुबह में, जैसे डिलीवरी हो गई तो घर पे ले गए थे, उसके बाद में दिखाने को लेकर आए। दिखाने के लिए लेके जब आए तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया उनके सुबह में, जब इंजेक्शन लगाया तो हम घर ले गए। घर ले आने के बाद में बच्चा जो है रो नहीं रहा था, ना बोल रहा था, नहीं कुछ मतलब दूध वगैरह कुछ नहीं पी रहा था। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई इंजेक्शन लगाने के बाद। हम दोबारा दिखाने के लिए लेकर आए, ये बोले जो बच्चे ने दूध ज़्यादा पी लिया, इतने बच्चे ने दूध ज़्यादा पी लिया। बोले कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, दूध ज़्यादा पिए हुए दूध निकाल देंगे, सही हो जाएगा बच्चा। किसने कही ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में पुलिस ने फर्जी कबाड़ी फार्म पर खुलासा किया है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले को लेकर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह फार्म केवल कागजों तक ही सीमित थी। धरातल पर इस फार्म में कोई भी संबंध नहीं था, या ये कहें कि यह फर्जी कंपनी कागजों में तो थी पर इस फार्म की कोई भी बिल्डिंग या गोदाम नहीं था। फर्जी फार्म के बारे में विपिन ताड़ा SSP सहारनपुर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। बताया है कि थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय जालसाज में दो कबाड़ियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कब्जे से दो चोरी के मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। एक सप्ताह पूर्व थाना फतेहपुर में 20 लाख रुपए नकद पकड़े गए थे रात्रि में पुलिस चेकिंग में। इन्हीं में से एक कबाड़ी का था और दूसरा वो पैसा ले जा रहा था। पकड़ा गया कबाड़ी वसीम जो है वो देवबंद का रहने वाला है, और उसका साथी सतीश है जो कि भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है। इसमें पूछताछ में इन्होंने बताया कि वसीम जो है मास्टरमाइंड है इस पूरी गैंग का, और वसीम पूर्व में कबाड़ी का काम करता था, परंतु अब यह फर्जी फर्म बनाता है, और फर्जी फर्म बनाकर उसके फर्जी बिल बनाकर जो दूसरे अन्य कबाड़ी हैं इनसे संपर्क करते हैं, और उनके माल को जो कि बिना लिखा पढ़ी के कहीं दाखिल नहीं है, उस माल को अपनी कंपनी का दिखाकर फर्जी बिल बनाकर बेचते हैं, और जो पैसा इनके अकाउंट में आता है उसको निकाल कर नकद पैसा वापस उन कबाड़ी को देते हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने यह बताया कि इनका दिल्ली, गाज़ियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और पंजाब की भी कई कंपनियाँ हैं जिनके साथ कबाड़ियों के साथ में
इनका कैश का आदान प्रदान होता है। देश में ठंड ने दस्तक दे दी है। अगले कुछ ही हफ्तों में ठंड बढ़ने के अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में गरीब तबके के लोग हैं वो इस मौसम के मार से सबसे ज़्यादा झेलते हैं। वहीं इन गर्मी गरीबों के मदद के लिए हमेशा संभ्रात और समाजसेवी वर्ग आगे आता है। आज गोरखपुर में कुछ युवाओं ने ठंड से बचाव के लिए गरीब तबके के लोगों में कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया है। मौके पर एसपी सिटी भी मौजूद रहे हैं और इन युवकों का हौसला अफजाई करते हुए तमाम सामाजिक संगठनों और संभ्रात लोगों से ऐसे गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। हमारी संस्था जो सब समाज सेवा संस्थान है, ये हर ठंडी के समय नवंबर से लेकर जनवरी तक एक शिविर लगाती है, जो कि वहाँ जरूरतमंद लोग कपड़े ले जाते हैं और जो सक्षम व्यक्ति वहाँ कपड़े दे जाते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग कंबल वितरण कार्यक्रम किए। हम लोग ये हर साल करते हैं। जो भी लोग सड़कों पे मिलते हैं बिना कंबल के, बिना गर्म कपड़े के, उनको हम गर्म कपड़े देते हैं, कंबल वितरण करते हैं। और आज इसी क्रम में हम लोगों ने एसपी सिटी साहब के द्वारा आज कंबल वितरण ट्रांसपोर्ट कराया। आज जनपद गोरखपुर शहर में आज सर्व समाज संस्था द्वारा एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया गया है, जिसमें प्रतिदिन शाम के समय जब पुलिस के लोग पेट्रोलिंग पे घूमते हैं, यहाँ जितनी भी शेड्स हैं, जितने भी लोग हैं सड़कों पर बिना कपड़ों के, बिना टोपी के, बिना गमछे के, मोजे के, कंबल के सोते हैं, उन्हीं लोगों का हित ध्यान में रखते हुए और सेवा का भाव देखते हुए आज इन लोगों द्वारा कम से कम 200 के करीबन कंबल और टोपी और ये सब बांटे गए हैं। उसमें कई गरीब बूढ़ी महिलाएं, कई बाबा जी, कई पुरुषों को इस तरह की चीज़ें भेंट की गई है इनके द्वारा। ये बहुत ही पुनीत और सराहनीय कार्य है और मैं इस तरह के जितने भी तमाम NGOs हैं और जो भी व्यक्ति हैं भामाशाह, उन सबसे मैं उम्मीद करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो शहर की जितने भी तमाम लोग हैं इस तरह के, वो ठंड में कहीं ठिठुरे नहीं, उन सबको कोई ना कोई भोजन अथवा कपड़ा पहनने के लिए आश्रय जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के कराकनक गांव में एक दबंग व्यक्ति ने खेत के चने का साग तोड़ रही दलित युवती को पकड़ लिया और छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें करने लगा। युवती ने विरोध करते हुए शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। जब किशोरी उस व्यक्ति के बात नहीं मानी तो दबंग व्यक्ति ने मारपीट करने लगा। शोरगुल सुन खेतों में काम कर रहे लोग आ गए और किसी तरह मामले को शांत कराकर दबंग व्यक्ति को भगा दिया। युवती का आरोप है कि इस घटना की शिकायत ललौली थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित युवती आज पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह से मिलकर शिकायत पर छेड़छाड़ करने वाले दबंग इंद्रजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। मेरे गए कि थाना मरौली थाना, वहाँ बोले गए कि ठीक है आपकी कार्रवाई की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज इसके ऑफिस गए थे, उन्होंने बोला ठीक है आपकी कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर का ये मामला है जहां पर बता दें कि दलित युवती के साथ छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक से लगातार वो न्याय की गुहार लगाते हुए सामने आई है। उस दौरान बता दें आपको कि ये जो पीड़ित लड़की है, इनके साथ खेत में छेड़छाड़ की गई थी और इस दौरान जब युवती ने पुलिस थाने में इस मामले को लेकर मामला दर्ज कराया, उसके बाद भी पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद जो पीड़िता है वे पुलिस अधीक्षक के पास गई और इसके बाद वे लगातार इस मामले को लेकर लगातार मांग करते हुए नज़र आ रही है, न्याय की गुहार लगाते हुए नज़र आ रही है। बता दें आपको कि ये पूरा मामला जो है फतेहपुर का है, जहां पर इस दलित युवती के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ किया था और उसके बाद ये पीड़िता जो है लगातार पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए सामने आई है। चलिए, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।